समाज में अपनी एक सम्मानजनक स्थिति बनाने और अपने योग्य एक उच्च पद पर आसीन होने तक की प्रक्रिया में व्यक्ति न जाने कितनी संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग का ऋणी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पाठशाला में आपने अक्षरबोध किया, जिस कॉलेज या विश्वविद्यालय में आपने उच्च शिक्षा पाई अथवा तकनीकी प्रशिक्षण पाया, जिस चिकित्सालय से आपको आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य लाभ मिला, जिन नागरिक सुविधाओं यथा बिजली घर, जलदाय विभाग, बाजार, पर्यटन स्थल, मनोरंजन के साधनों का आपने उपयोग किया, उन पर नियमित कितना खर्च आता होगा और क्या उन सुविधाओं के उपभोग के लिए हम या हमारे अभिभावक ये खर्च व्यक्तिगत तौर पर करके इन सुविधाओं का लाभ हमें दे सकते थे, तो फिर हमें ये मानना होगा कि हमारी योग्यता, समाज में हमारा स्थान अथवा पद, हमारे ऊपर हमारे समाज का ऋण स्वरूप है। इस ऋण को उतारने के लिए हमें अपने सभी लक्ष्यों से ऊपर एक और लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि अपने तन, मन और धन से हमें निरंतर कोई न कोई ऐसा काम करते रहना है जिससे हमारा समाज लाभान्वित हो सके और जिसके प्रतिदान स्वरूप हम किसी भी रूप में कुछ भी ग्रहण न करें, अन्यथा समाज का ये ऋण उतारने का हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। सामाजिक ऋण तभी चुकाया जा सकता है जब हम करें मनन कि हमें इसे चुकाना ही है। यही है मनन, मनन, मनन। हर रिश्ते में विश्वास रखो, जुबान पे हर वक्त मिठास रखो, यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा खुश रहते हैं ताकि आपको भी खुश रख सके, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो जो हमारा चेहरा है वो पूर्णिमा के चांद की तरह बेहद खूबसूरत और रोशनी से भरा होता है। और जब हम खुशनुमा माहौल में रहते हैं, खुश रहते हैं, तो जिंदगी को बेहतर तो होना ही है। और हमारी जिंदगी बेहतर हो इसके लिए हम कई प्रयास करते हैं, और उसके जो प्रयास की शुरुआत है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो हमें करनी ही होती है। और दोस्तों कहते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत अगर सुबह से की जाए तो कहने ही क्या, क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत सुबह से करते हैं तो हमारा जो पूरा दिन है वो बेहद अच्छा निकलता है, बहुत खूबसूरती से निकलता है। तो हम तो यहाँ जिंदगी को खुशनुमा बनाने की बात कर रहे हैं, और इन सारी बातों का जो सार है वो शॉर्ट और स्वीट शब्दों में इतना ही है कि आप भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, और मुस्कुराते रहें, और अपने इस मुस्कुराहट की रोशनी चारों तरफ बिखेरते रहे। इसी खूबसूरत विचार के साथ सुप्रभात अर्थी धोरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ राधिका। और मैं हूँ आपके साथ रवि। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके स्वस्थ जीवन का आधार जो होता है वो हमेशा स्वस्थ रहना ही माना गया है, और इसीलिए राधिका कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो पूरे दिन भर में अपने जितने भी काम है बड़ी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ और गतिशीलता के साथ कर सकता है। और राधिका शुरुआत में आपने आज कार्यक्रम के शुरुआत में मिठास की बात की, तो दोस्तों मिठास की बात यानी शुगर की बात, अब आप समझ गए कि आज हर परिवार में हर चौथा आदमी जो है वो शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित है। तो क्या है ये डायबिटीज, किस तरह से हम डायबिटीज की रोकथाम कर सकते हैं और किस तरह से डायबिटीज को हम रोक सकते हैं अपने ही प्रयासों के द्वारा,
आज हम आपकी मुलाकात सुप्रभात धरती धुरारी पर एक ऐसे ही वरिष्ठ चिकित्सक से करवा रहे हैं, लेकिन उनका परिचय करवाऊं उससे पहले उनके बारे में बताना चाहूंगा राधिका कि आपने डायबिटीज पर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च की है, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ आपने बचपन से एक सपना संजोया था कि मुझे डॉक्टर बनना है और बड़े होकर मानवता की सेवा करनी है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं डायबिटीज रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी का। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुप्रभात धरती धुरारी के मंच पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने आज इस मौके पर मुझे बुलाया है। जी जी, जी। और सर, जैसे कि सुबह का समय है और आप खुद एक डॉक्टर हैं, और जो डॉक्टर होता है खुद अवेयर होता है, क्योंकि उसे खुद के साथ साथ बहुत से लोगों का भी ध्यान रखना होता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है फिट रहना। जी। तो जो आपके सुबह की शुरुआत होती है वो किस तरीके से हो? बिल्कुल, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा एक महात्मा गांधी का उदाहरण। जी जी, कि एक बार महात्मा गांधी के पास में एक अपनी माता अपने बच्चे को लेके आई। जी। और उसने उससे पूछा जी कि मेरे बच्चे को आप सिर्फ ये कह दीजिए कि ये मीठा नहीं खाए। हाँ बिल्कुल। वो गांधी जी ने कहा आप ऐसा करना, एक महीने बाद आना, तब मैं इस बच्चे को बोल पाऊंगा कि मीठा खाना है या नहीं खाना है। जी। एक महीने बाद अपनी माता अपने बच्चे को वापस लेके आई। उसने वापस महात्मा गांधी से पूछा कि इसको मना कर दीजिए मीठा खाने से। उन्होंने फिर दूसरे महीने कहा कि एक महीने बाद फिर आइए। ऐसे हर महीने दो या तीन चार बार वो बार बार लेके आती रही, लेकिन गांधी जी ने उनको बोला नहीं। छः महीने के बाद में जब वो माता अपने बच्चे को लेके आई, उसने कहा गांधी जी आप बताइए कि इसको मना कर दीजिए खाने के लिए। तब उसने गांधी जी ने कहा बेटा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है और आज से आप छोड़ दीजिए। और ये बात अपने उन्होंने अपने जीवनी में भी कही है। बाद में जब बच्चे ने तो खाना छोड़ दिया जी, उनकी माता ने कहा कि आपने मुझे हर महीने छः महीने से मुझे बार बार बुलाया है, तो इसका क्या कारण है? तब महात्मा गांधी ने कहा कि आपने जब मेरे से पूछा जी कि मीठा खाना छोड़ दीजिए, मेरे को खुद को मीठा खाना बहुत पसंद था। ओ, क्या बात। सबसे पहले मैंने अपना मीठा खाना छोड़ा। क्या बात। यदि मैं छोड़ सकता हूँ तभी मैं बच्चे को कहने के लिए हकदार हूँ, बिल्कुल, वरना मैं हकदार नहीं। जी जी जी। तो व्यक्ति यदि आज मैं किसी को मना करूँगा तो मैं सबको अपने हमारे जितने भी मरीज आते हैं जो मधुमेह के, और हम लोग कहते हैं कि मधुमेह का व्यक्ति मरीज नहीं है जी। वो जीवन शैली से पीड़ित है और वो जीवन शैली को वो अपने स्वस्थ रख लेता है तो वो ठीक हो सकता है। तो वही हम लोग उनको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने शुरुआत अपने आप करनी पड़ेगी। क्या बात है। सुबह जल्दी उठना है, ये मेरा नियम है, और हमारे ऊपर अपने माताजी और पिताजी का बहुत प्रभाव था। हमारी माताजी सुबह 5 बजे उठ जाती थी जी जी, और सुबह उठ के नहा धोकर वो मंदिर चली जाती थी। ये हमने बचपन से देखा था। बिल्कुल। और वही प्रभाव आज भी है कि सुबह हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 5-5:30 बजे अब मेरे उठने का शुरुआत हो जाती है। उठकर अपना थोड़ा जो चाय वगैरह लेना है वो लिया, नहा धोकर सबसे पहले पूजा करने का होता है। बिल्कुल। और पूजा करने के बाद में हमें बहुत सालों से यही सिखाया कि योग करना। क्या बात। और अपना योग में हमारा इस तरह से योग करते हैं हम सुबह कि करीब आधा घंटा हमारा योग में हो जाता है। तो सुबह मेरी बहुत जल्दी शुरुआत हो जाती है क्योंकि मैं अपने जो प्रोफेशनल लाइफ की जो शुरुआत है आज भी 8 बजे के आसपास शुरू कर देता हूँ। और तो सबसे पहले जो पूजा करने का होता है वो हमें शक्ति देता है। बिल्कुल। जो आंतरिक शक्ति जो मिलती है वो हमें, मुझे हनुमान चालीसा, मुझे भी आज भी कंठस्थ है। बिल्कुल। तो अपने जब करता हूँ तो मुझे पूरे दिन भर की शक्ति मिल जाती एनर्जी है, एनर्जी पूरी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। और उसके बाद जब मैं योग करता हूँ, योग में सारे तरह के योग होते हैं और उसमें मेरे शारीरिक जो मेरी एक्सरसाइज है वो भी पूरी हो जाती है। और जब भी मौका मिलता है घूमने का रहता है, हालांकि इस मामले में मेरी पत्नी जो होती हैं, पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं मॉर्निंग वॉक में। जी, जी, जी। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता साल में 365 दिन जब वो सुबह उठ के घूमने नहीं जाती है। क्या बात है सर। तो वो उससे भी इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन कई बार हमें लेट नाइट काम करना पड़ता है, पढ़ाई होती है, रिसर्च के पेपर्स होते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो
योग और पूजा, ये दो मुझे अपने पूरे दिन भर की शक्ति दे देते। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि परिवार के जो संस्कार हैं, यानी कि माताजी आपकी सुबह जल्दी उठती थी, वही संस्कार आप में, और आप आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं और जल्दी उठते हैं, अपना योग करते हैं, घूमने का कार्यक्रम आपका निर्धारित है और 8 बजे के बाद अपना ऑफिस के काम के लिए निकलते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात करें आपके पिताजी की, जी आपके परिवार की, जी क्या आदर्श रहे हैं पिताजी के आपके, जो आज आप जीवन में इस ऊंचाइयों को छू पाए हैं? पिताजी अध्यापक थे, जी, और अध्यापक का जीवन होता है बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, बिल्कुल साधारण, बहुत साधारण व्यक्ति थे, उनका डिसिप्लिन था, अनुशासन उनका बहुत ज्यादा था, जी, और उसी अनुशासन और साधारण व्यक्तित्व से आज हम प्रभावित हैं। उन्होंने हमें यही संस्कार दिए कि जीवन को जीना है, सबको सुखी रखना है, जी। और वो अध्यापक के साथ उनकी कुछ कविताओं में बहुत शौक था, बिल्कुल, तो मैं एक उनकी कविता का एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि उन्होंने जीवन को कैसे लिया। तो उन्होंने सबसे पहले बताया, सुंदर से नित सुंदरतर, सुंदर से नित सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम, क्या बात है, और सुंदर जीवन का क्रम हो और सुंदर सुंदर हो जीवन। हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूब। मन के मधुमय आंगन में, मन के मधुमय आंगन में बरसों अविरल सुख के घन, जीवन हो सरसिज करने बरसों सुखवा के श्रावण। हाय हाय, क्या बात है। यानी पूरे जगत को हमें सुखी रखना है, और अपने व्यक्तित्व से, अपने काम से हमें बताना है कि सबको सुखी रखना, क्या बात है। और यही जीवन का फलसफा होना चाहिए, ये सीखा था उनसे, और आज भी जब भी मौका मिलता है, आज भी हम लोग अपने प्रोफेशनल जीवन में भी, मैं चाहे मेरे स्टाफ का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे मेरे मरीजों का हो, मैं उनको यही सिखाता हूँ कि दवाई से ज़्यादा उन्हें अपनी जीवन शैली अच्छी रखनी है। जीवन शैली रखने के साथ में दूसरों की लिए मन में कुछ ना कुछ करने की तत्परता होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत। जब तक आपके पास में दूसरों में कुछ करने की तत्परता नहीं है, हम मानव बने हैं, मानव को भगवान ने एक अनुभूति दी है, एक इमोशन दिया है, और ये इमोशन और जो अनुभूति है, इसको हमें सब में बांटना है। जैसे अभी राधिका जी ने बताया, बिल्कुल बताया, कि आप अपनी जो विशेषता है वो दूसरों में बिखेरिए, उनमें मुस्कुराहट लाइए, और यदि आपने एक भी चेहरे में मुस्कुराहट ला दी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही खूब। सर यही आदर्श जो है आपके पिताजी के दिए हुए, माताजी के दिए हुए, आज तक आपके काम में आ रहे हैं और आज भी आप उन्हें दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारी बात चल रही है बचपन की, और बचपन की खास बात भी होती है कि जब भी जिक्र करते हैं बचपन का, तो सबसे पहले वो शरारतें याद आती हैं जो हमने किए। तो क्या वो खास शरारतें रही जो आज भी जब याद करते हो आप तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ ही जाती है? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने परिवार में, हम 6 भाई हैं, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट कि मेरी बहन नहीं है, जी, लेकिन मेरे चाचा जी की और दूसरी जो लड़कियां थी वो सब बहन ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ। तो बड़ा प्यार लाड मिला आपको जरूर परिवार का। तो सारे सबसे बड़े भाई से लेके और जो मेरे से बड़े भाई हैं, सब ने मुझे मतलब बहुत पैम्पर किया, और उसकी वजह से संस्कार तो मिले ही, सबकी जो उनकी जो पढ़ाई के बारे में या कुछ भी बारे में, तो उनकी हमें मिलती रही। हालांकि हमारा जीवन बड़ा साधारण था और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ परेशानियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी मुझे कभी परेशानी नहीं होने दी, और सारे भाइयों ने मिलके, पिताजी माताजी ने मिलके, और यही कोशिश की कि किसी तरह से पढ़ाई में, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था पढ़ाई का, तो बचपन से पढ़ाई भी करते थे। शरारतों के बारे में तो देखिए ऐसा है कि बचपन में होती ही है, बिल्कुल होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो रहा था कि भाई पैम्पर, पैम्पर्ड बच्चे थे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ परिवार में ये था कि हमें संस्कार मिले थे, तो हम बहुत ज्यादा वैसी शरारतें नहीं करते थे जिससे परेशानी नहीं की। सब अच्छा डॉक्टर साहब, बात करते हैं कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, और उसके बाद आगे की शिक्षा कहाँ हुई? जी, पिताजी बाहर से यूपी से बिलोंग करते थे, और फिर जोधपुर आ गए,
और जोधपुर में मेरा जन्म हुआ है, तो बेसिकली तो मैं राजस्थानी ही हूँ। आप राजस्थान के कहलाएंगे। जी जी, तो जोधपुर में जन्म हुआ, वहीं पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई, और फिर बहुत अच्छा स्कूल था जो सरदार स्कूल कहलाता है, और उस स्कूल में पढ़ाई हुई। वहाँ पे मुझे अपने सारे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने वहाँ से हमें संस्कार देना शुरू कर दिए, और शुरू में हमें डिबेट्स का बहुत शौक़ था, साहित्य का भी शौक़ था, कुछ लिखने का भी शौक़ था बचपन में, स्कूल जीवन की बात बता रहा हूँ। तो हमें डिबेट्स करता, तो मैं अपने स्कूल में डिबेट्स करता था, डिस्ट्रिक्ट में डिबेट्स में जाता था, और वहीं से बहुत शौक हुआ बोलने का। तो सब आपके बारे में एक चीज़ मैंने पढ़ी है, सुनी है, कि आप जब पीएमटी का आपने एग्ज़ाम दिया पहली बार, तो क्या वाकया रहा और क्या पोजीशन आपने हासिल की, उसके बारे में बताएं। जी, ये एक आप समझिए कि एक एक्सीडेंट की तरह से था कि मेरे जो दोस्त थे जी, वो सब लोग एक बार बाहर जा रहे थे, तो मैंने कहा किस लिए जा रहे हो, तो उन्होंने कहा हम पीएमटी का फॉर्म खरीदने जा रहे हैं। हाँ। तो जब पीएमटी का फॉर्म, उन्होंने कहा कि सब साथ जा रहे हैं, दोस्त हैं, सबका पीएमटी का फॉर्म भरा, हमने पीएमटी एग्ज़ाम दे दिया, और बड़ा भाग्यशाली है कि पहली बार जब पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, और अपने डिस्ट्रिक्ट में आई वॉज दी फर्स्ट पर्सन, और पूरे राजस्थान में 11 नंबर था, और बच्चों में लड़कों में 7वां नंबर था। बधाई सब। तो अच्छा लगा, और जब अपने कॉलेज में पढ़ाई शुरुआत की मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे भी बड़ा अच्छा रहा, लेकिन शौक़ तो डिबेट्स का था। मैंने वहाँ पे भी पूरे ऑल इंडिया डिबेट्स में भाग लिया, और सारे ट्रॉफीज कॉलेज के लिए जीत के लाए थे, स्कूल में भी जीत के लाए थे, और कॉलेज में भी आज सारी हमारी ट्रॉफीज रखी हैं, तो हम अपने कॉलेज में जाते हैं तो अपने नाम की ट्रॉफीज देखते हैं। ट्रॉफीज में एक खेलों की ट्रॉफीज भी है, तो उसका जिक्र भी कर लिया जाए, तो वो बताएं अब हमें किस तरह से वो आपका का शौक रहा खेल का। जी, बचपन से ही खेलों का शौक था, लेकिन इंडोर गेम्स ज्यादा खेलते थे, और टेबल टेनिस मेरा सबसे प्रिय गेम है, और मैंने स्कूल्स लेवल पे भी टेबल टेनिस खेली है, और कॉलेज लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी टेबल टेनिस खेली थी, और वो शौक मेरा फाइनल MBBS तक बरकरार रहा। जी, फाइनल MBBS में जाकर जब इतना पढ़ाई का प्रेशर हो गया जी, तब जाके पढ़ाई के प्रेशर की वजह से मुझे अपना गेम छोड़ना पड़ा। ये बात भी पूछना चाहूंगी कि जो MBBS जब हम डॉक्टरी करते हैं, जब हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं, तो वो इंटेलिजेंट तो होते ही हैं डेफिनेटली, पढ़ाई में बहुत अच्छे से होते हैं, लेकिन साथ में जब MBBS के दौरान वो शरारते भी बहुत करते हैं, ताकि जो माइंड है वो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, और वो जो बचपन है, वो जो आदतें हैं, थोड़ा सा जॉली नेचर है, वो कायम रहता है। तो क्या शरारते MBBS में रही, किस तरीके से आप करते थे? बिल्कुल, जब शुरुआत, जब पहली बार जब मेडिकल कॉलेज गए थे, तो बहुत शौक लेके गए थे कि पता नहीं क्या बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया। जी, जब हम कॉलेज में गए तो सीनियर्स ने हमें यही सिखाया, जी जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने यही सिखाया कि आज से तुम्हारे जीवन का कठिनाई शुरू हुई है। क्या बात है, परेशानी शुरू हुई है, और इस कठिनाई को जितना झेलोगे उतना आप सफल रहोगे। तो वहीं से हमें शुरुआत कर दी उन्होंने, लेकिन जो जूनियर और सीनियर का प्यार था जी, उस जमाने में, मुझे लगता है कि शायद आज वो टूट गया है। आज भी मेरे सीनियर्स पूरे वर्ल्ड में सब जगह हैं, जूनियर्स हैं, और जब भी हम मिलते हैं आज भी वही अफेक्शन और प्यार है। हमें कोई भी पढ़ाई के बारे में किसी भी तरह की ज़रूरत होती थी, तो पढ़ाई की बुक्स हैं या नोट्स हैं या कुछ भी हमें पढ़ाना है या सिखाना है, गाइड करते थे, वो हमें गाइड करते थे सीनियर्स। और आज भी सीनियर्स अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हैं, और वो जब भी मिलते हैं तो हमारा वही अफेक्शन और प्यार है, और हमारे जूनियर्स भी जो आज मिलते हैं तो हमारा भी वही रहता है कि जो हमने उनसे सीखा, हमारे सीनियर से, वो हमने जूनियर्स को दिया। लेकिन वो शरारतें तो रहती थी जो पहली बार जाते हैं, तो लेकिन उन्होंने हमें ये सिखाया कि आप आज से परेशानी में आ गए हैं, आपको कठिनाई होगी, आपने यदि मेडिकल जीवन को आज से जीना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ में आपको ऐसी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। और वास्तव में ये सही बात है, जब हम पढ़ाई करते हैं MBBS की, शायद बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि होली, दिवाली, कोई त्यौहार, घर का बर्थडे, मैरिजेस कई बार हमें छोड़नी पड़ती थी, एग्ज़ाम है। हमारे जो उस समय टीचर्स थे वो बहुत वर्ल्ड के, विश्व के माने हुए ख्यातनाम डॉक्टर्स थे,
वो जब पढ़ाते थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि आपको अब अपना जो पारिवारिक जीवन है वो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई के समय भी और आपको आगे भी, क्योंकि ये आप मानव जीवन के लिए बने। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि डॉक्टर जो है वो मानवता की सेवा के लिए जब आगे आ जाता है तो उनके सारे शौक जो होते हैं वो फिर रह जाते हैं सर। फिर आपको अपने शौक हैं, अपनी दूसरी चीजें हैं, वो बहुत त्यागनी पड़ती है। और आज मेरे से पूछा है तो मैं अपनी बातें याद कर रहा हूँ कि हमें बहुत सारे ऐसे मौके होते थे कि हमें सोशलाइजेशन, जो सामाजिक जीवन है, वो कई बार छोड़ने पड़ते थे। तो कई बार हमारे जो दोस्त थे इंजीनियरिंग कॉलेज या दूसरे कॉलेजेस में थे, वो लोग कहीं जाते थे या बुलाते थे हमें, तो हमें कई बार मना करना पड़ता था और दिल को उस समय बहुत दुख लगता था। और जब हम MBBS करके जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, रेजिडेंसी करते हैं, वो सबसे जो पीरियड होता है दुनिया का, जो हमारे लाइफ का, वो सबसे व्यस्त जीवन होता है। उसमें हमें कई बार 24 घंटे तक हॉस्पिटल में अपने वार्ड्स में ड्यूटी करनी पड़ती है जी। और सर इसी के दौरान मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने MBBS किया फिर आप आगे की तरफ बढ़े तो पहली जो आपकी पोस्टिंग हुई वो कहाँ हुई? पोस्टिंग से पहले तो मैं अपनी थोड़ी सी वो रेजिडेंसी जीवन के बारे में बताता हूँ कि वो जो पीरियड होता है वो पीरियड सबसे व्यस्त हमारा होता है। और उसको फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी हाउस जॉब बोलते हैं। उस समय हमें ये भी मालूम नहीं होता कि हमें कब खाना मिलेगा, हमें पानी मिलेगा या नहीं। पूरे टाइम हमें वार्ड में रहना होता है, हमारे ऊपर सीनियर्स होते हैं वो हमें प्रेशर करते हैं, फिर हमारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, फिर वो प्रेशराइज्ड होते हैं। तो वो पीरियड होता है, लेकिन उस समय उस पीरियड में हमें कई बार रोना भी आता था जी। कई बार ऐसा मन होता था कि किसी तरह से आप यहाँ से छूट जाएं। लेकिन अब जब हम अपने को पुरानी बात याद करते हैं, हमने जो सीखा था कि हमने सब चीज त्याग दिया था जी। ना खाना पीना अपना कुछ भी मालूम नहीं था। वो जो हमने मरीजों के साथ जो सेवा का जो प्रण लिया था उस रेजिडेंसी पीरियड में, आज भी हमें किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। घर में भी कोई परेशानी होती है तो हमें दिक्कत नहीं होती है कि हम उसको झेल सकते हैं, हमारे में इतनी शक्ति आ जाती है। तो ये हर डॉक्टर का वो जो जीवन होता है, हाउस जॉब वाला जीवन और रेजिडेंसी वाला जो जीवन होता है, वो जिसने अच्छी तरह से जी लिया उसको पूरी लाइफ में कभी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बहुत सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो पहली पोस्टिंग की जैसे राधिका ने बात की तो कहाँ रही सर? पहली पोस्टिंग मेरी भाग्यशाली था कि जयपुर ही आ गया था मैं, और ESI हॉस्पिटल में सबसे पहले पोस्टिंग हुई थी जी। और जब मैं अपने ESI हॉस्पिटल में आया तो वहाँ एक छोटा सा परिवार था जी। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ इतने अच्छे थे कि वो हमें, मतलब हमारे सीनियर्स वहाँ पे भी हमें जब नए नए गए तो उन्होंने हमें वहाँ पे भी हमें बहुत सीखने को मिला MBBS और MD मेडिसिन करने के बाद में भी। और वहाँ पे भी हमें ये लगा कि ये मेरा परिवार है जी। जब भी पेशेंट्स आते थे, आज भी मैं 30 और 35 साल पुरानी बात यदि करूं तो आज भी जो पेशेंट मैं 30-35 साल पहले देखता था वो आज भी आते हैं, उनके परिवार वाले सेकंड जनरेशन और इवन थर्ड जनरेशन भी मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय कितना अफेक्शन होता था। जो पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ फेथ के ऊपर होता है, विश्वास के ऊपर होता सर, है इसी वो दवाइयों के ऊपर नहीं होता सर। इसी रिलेशनशिप की बात करूंगा तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो है डायबिटीज जी। तो आज हर घर के अंदर की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर चौथा आदमी जो है वो शुगर की बीमारी से पीड़ित है जी। तो क्या है ये डायबिटीज रोग और किस तरह से व्यक्ति इनसे बच सकता है? देखिए, डायबिटीज जो होती है, मधुमेह की बीमारी जी, इसका मैं एक छोटा सा बता दूं कि क्यों होती है जी। डायबिटीज या मधुमेह का मतलब होता है कि हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाना जी। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट में जाता है जी। वो पच जाता है और तीन भागों में बढ़ जाता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड में बन जाते हैं और ये अमीनो एसिड्स हमारे शरीर को डे टू डे जो बिल्डिंग होती है टिश्यूज की, उसको बनाने में काम आते हैं जी। जो फैट्स होती हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बन जाते हैं और ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं ये हमारे रिजर्व फूड के लिए काम आ जाते हैं, स्किन में सबकुटेनियस फैट में जमा हो जाते हैं और हमारे पेट के जगह जमा हो जाते हैं और ये जब भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है तो ये फैट्स काम करती हैं। तीसरा अवयव होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में ब्लड में जाकर, पचने के बाद में ब्लड में जाके ये पूरे शरीर में
जाता है हर टिश्यूज को। बिल्कुल। लेकिन ये ग्लूकोज एनर्जी जब ही देगा जब हमारे पेनक्रियाज नामक की ग्रंथि होती है, वहाँ बीटा सेल्स होती हैं और उसमें इंसुलिन बनता है जी। वो इंसुलिन जब हमारे शरीर के साथ में ग्लूकोज के साथ में मिलता है तब वो ग्लूकोज उस टिश्यूज में अंदर जा सकता है और फिर एनर्जी प्रदान करता है जी। तो मधुमेह या डायबिटीज की जो बीमारी होती है उसमें हमारा पेनक्रियाज से जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन कम बनाता है, यानी हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज तो बन जाता है जी। वो ब्लड में भी जाता है लेकिन इंसुलिन की मात्रा कमी होने की वजह से वो पूरा ग्लूकोज काम नहीं आता है टिश्यूज में। तो जो बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है वो किडनी के द्वारा, गुर्दे के द्वारा, पेशाब के द्वारा वो बाहर निकल जाता है जी। तो ऐसे व्यक्ति को जो खाना भी खा लेते हैं ग्लूकोज भी आ जाता है, वो ब्लड में रह जाता है और वो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाती है। ऐसी स्थिति को डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब कई बार देखा भी है कि मरीज आपके पास आता है और आपने जैसे ही कहा कि इसके इंसुलिन की कमी हो रही है जी, बड़ा घबरा जाता है और परिवार वाले भी घबरा जाते हैं कि इसे इंसुलिन देना पड़ेगा, तो वो समय किस तरह से आप उसको गाइड करते हैं, किस तरह से उसकी बीमारी को आप बताते हैं ताकि उसको ये डर ना लगे? देखिए डायबिटीज सबसे पहले जब पहली बार व्यक्ति को मालूम चलता है तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो मिसकंसेप्ट्स हैं कि वो ये समझता है कि आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा खराब बात हो गई है, डिप्रेशन हो जाता है उसको, एंजाइटी हो जाती है और उसको लगता है कि मेरे को पूरे जीवन भर इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। तो जब पहली बार आता है तो उसको यही बताना होता है कि ये बीमारी जीवन शैली की बीमारी है और बहुत आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या बात है। और इसको आसानी से कंट्रोल करने के लिए हम लोग बताते हैं डायबिटीज का मतलब डिसिप्लिन जी। यदि आप अनुशासित जीवन जिएंगे, जो भी डायबिटीज का व्यक्ति है यदि अनुशासित जीवन जिएगा तो उसकी डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल रहेगी, उसको नुकसान कम होगा और पूरे जिंदगी भर, मेरे पास अभी भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 30 और 35 साल से उनको डायबिटीज है, आज भी वो उतने ही स्वस्थ हैं जितने दूसरे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे वसीम अकरम जो हैं वो 2.5 साल से डायबिटीज की से ग्रसित हैं और आज भी वो सबसे विश्व के बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट बॉलर्स हैं, यानी जिसने बचपन से इंसुलिन लिया है, 2.5 और 3 साल के व्यक्ति ने, जिसने बच्चे ने से इंसुलिन लेना शुरू किया और आज विश्व के सबसे अच्छे क्रिकेटर्स में माने जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ओलंपिक में अभी पिछले ओलंपिक में जो 100 मीटर रेस दौड़ी है वो टाइप 1 डायबिटीज है जी। तो ये जो डायबिटीज है ये कोई बहुत खतरनाक नहीं है और जैसे मैंने उदाहरण बताया कि आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं और वो आज ब्रांड एम्बेसडर हैं। मिस अमेरिका जो 2005 की मिस अमेरिका थी वो टाइप 1 डायबिटीज और वो आज ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारी जितनी कॉन्फ्रेंसेस हैं या जितनी पूरे वर्ल्ड में वो एज एन एम्बेसडर जाती हैं कि डायबिटीज को अवेयरनेस बनाने के लिए जी। तो इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब डायबिटीज का व्यक्ति हमारे पास आता है इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं जी। सर ये तो आपने बताया कि बड़ी आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन सर जैसे कि एक सामान्य इंसान है, अब उसे डायबिटीज हो रहा है लेकिन उसे पता नहीं है, तो क्या इसके लक्षण होते हैं जिससे उसे ये पता चल जाए, अवेयर हो जाए वो इस चीज के लिए और सही समय पर इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दे और अपनी जो डाइट है वो भी कंट्रोल कर दे? डायबिटीज में सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कई बार व्यक्ति को लक्षण नहीं आते, जैसे व्यक्ति कभी हॉस्पिटल में गया और किसी और बीमारी के लिए गया और गलती से उसका, या डॉक्टर ने उसको कहा है कि आपने हमने ब्लड शुगर की जांच कराई है तब मालूम चलता है। कई बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जब ब्लड शुगर की जांच करते हैं तब मालूम चलता है। कई बार आपके ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे जब जांच करते हैं तो पता लगता है। तो बहुत सारे साधारण लक्षण होते हैं और साधारण लक्षणों में मैं बता दूँ, जैसे आपको बार बार प्यास लग रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और कई बार आपको व्यक्ति, जैसे आप परिवार में भी कहते हैं कि आपका सडनली वेट लॉस कैसे हो गया, एकदम वजन कम कैसे हो गया, तो जो सडन वेट लॉस होता है, प्यास लगती है, भूख लगती है और कई बार आपके फोड़े फुंसी होते हैं और वो कई बार ठीक नहीं होते, कई बार घाव हो गया और आपका ठीक होने में टाइम लग गया, कई बार 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 यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार यूरिन आना और यूरिन आने के साथ साथ में आपको यदि रात को बार बार उठना पड़ रहा है जी। तो ये एक साधारण लक्षण बताएं। और एक और लक्षण होता है कि कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा जल्दी थकान हो जाती है जी।
और घर पे आके कहता है कि मेरे पैर दबाइए, उसको लगता है कि मैंने पूरे दिन भर में काम ज़्यादा किया है, लेकिन ये एक साधारण लक्षण है डायबिटीज़ का। जब आपको ऐसे साधारण लक्षण लगे तो अपने ब्लड शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए। और भारत सरकार अभी बहुत जल्दी ये कहने वाली है, और ICMR के थ्रू, बिकॉज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का मैं भी एक मेंबर हूँ, और हम लोग पूरे इंडिया में ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक व्यक्ति को, 20 और 25 साल का व्यक्ति जो है उसको जल्दी से जल्दी अपने ब्लड शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच और एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ अगला, कि एक व्यक्ति सामान्यतः हम पहले देखा करते थे कि 40 की एज के आसपास जो है उसको शुगर की बीमारी हुआ करती थी, किसी को हाई शुगर है, किसी को लो शुगर है, लेकिन आजकल के जमाने में देखा गया कि छोटे छोटे बच्चों को ये हो रही है, तो क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे, कि क्या रीजन है कि बच्चों में ये क्यों इतना, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन है? जीवन शैली जो सबसे होती है, जो इम्पोर्टेंट है, वो आजकल हमारी डिस्टर्ब हो गई है। बिल्कुल, चाहे छोटे बच्चा हो उसको पढ़ाई का प्रेशर है, बिल्कुल, जब बड़ा होता है उसको कंपटीशन का प्रेशर है, जब नौकरी लग रही है उसको नौकरी का प्रेशर है, नौकरी में होने के बाद में उसको टारगेट्स मिलते हैं, हाँ। आजकल बच्चों को वो टारगेट्स का प्रेशर है, जो आजकल ये बच्चे जो मैंने बताया कि आपको बच्चों से लेके और जो एडल्टहुड तक और जो उसके बाद में भी, उनको जो प्रेशर है, ये एक प्रेशर बहुत बड़ा काम करता है। प्रेशर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे खाने पीने का, खाने पीना का बहुत ज़्यादा रोल है डायबिटीज़ होने में, कि उसको अभी डिस्टर्ब है, वो जल्दी से जल्दी फास्ट फूड खाना चाहता है, जो हमारे ज़माने में जो हरी सब्जी, सलाद, फल और कच्ची सब्जियां बनती थी, रोटी सब्जी बनती थी, आजकल बच्चों में जल्दी से जल्दी फास्ट फूड होता है, टाइम नहीं है, वो जल्दी से जल्दी वो सोचता है कि मेरा खाना जल्दी से जल्दी खा लूं और मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो ये जो हमारे जो खाने का जो डिस्टर्ब हो रहा है जी, वो डाइट जो हो रही है वो अभी बच्चों में बहुत बड़ी हो रही है। तो एक तो डाइट हो गई जी, दूसरा उसका प्रेशर्स हो गए, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस, उसमें ओवर सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो जाती है, और जो ओवर सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है उसमें कुछ हॉर्मोन्स ऐसे बनते हैं जो हमारी बीटा सेल्स को नुकसान कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा है कि आदमी सेडेंट्री हो गए हैं, बच्चों में आजकल मोबाइल, टेलीविज़न और वो इतना ज़्यादा उसमें बिजी हो गए हैं कि उन्हें अपना खेलने का कुछ पता नहीं है। हमारे बचपन में खेलना ज़रूरी था, बाहर जाके इवन हमें गली मोहल्लों में जाके भी खेल लेते थे, स्कूल में हमें मैदान मिलते थे वहाँ खेल लेते थे, लेकिन अभी बच्चों में खेलने का नहीं है, वो इंडोर रहते हैं, और इंडोर रहने की वजह से वो सेडेंट्री हो गए, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो ये सारी सारी चीज़ें जब जीवन शैली की मिल जाती हैं, खाना पीना डिस्टर्ब हो गया, जो पाश्चात्य खाना हो गया वो ज़्यादा आ गया, खेल नहीं है और स्ट्रेस हो गया, यदि मैं इन सब की बात करूं, और आनुवंशिकता वो भी होती है कि यदि परिवार में आपकी किसी को मधुमेह है, माता पिता को है, दोनों को है, तब तो आपको ज़्यादा संभावना है, एक माता पिता में से एक को है तो आपको फिर भी संभावना है, और यदि आपके परिवार में दूर के रिश्तेदार को भी यदि डायबिटीज़ है तो भी आपको संभावना है। तो पारिवारिक जो होती है आनुवंशिकता वो भी होती है, और जो व्यक्ति मोटे ज़्यादा होते हैं उनको भी हाई रिस्क होती है जी। तो जो मोटे व्यक्ति हैं, मैं आजकल उनको आपको यही बताना चाहूँगा कि यदि वो अपना वेट लॉस कर लेंगे तो उनको डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो मोटापा भी एक बहुत बड़े आजकल बड़ा कारण बनता जा रहा है डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर का और हार्ट डिजीज़। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब बहुत सारी बात आपने बताई कि मोटापा एक बड़ा कारण है, पारिवारिक अगर किसी को है तो उसका भी कहीं ना कहीं शेयर जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी में डायबिटीज़ का रहता है। तो डॉक्टर साहब आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे दोस्तों, और पहले आपको लेकर चलते हैं कीप फिट की तरफ और देखते हैं कि डायबिटीज़ के बारे में क्या कुछ लोग और कह रहे हैं। दिनचर्या होनी चाहिए हमारी आजकल की दुनिया में, जहाँ फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम होती जा रही है, प्लस हमारा जो खान पान है वो भी पुरानी तरह नहीं बचा है, तो फिटनेस हमारे रोज के, जो हमारा रोज का दिनचर्या है उसके अंदर शामिल होना चाहिए। फिटनेस सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे वज़न कम करना है या मुझे वज़न बढ़ाना है,
इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों का हार्ट अटैक बढ़ रहा है, इतनी सारी बीमारियां जो जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, अगर हम लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचना चाहते हैं तो फिटनेस या 45 मिनट अपने लिए, अपने फिजिकल व्यायाम के लिए हर रोज़ देने चाहिए। घर बैठे बहुत सारे तरीके आ गए, आप आए जिम आए, आप किसी भी एक्सपर्ट सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर से कंसल्ट करें, वो आपको बहुत सारे तरीके बता देगा कि जब आप जिम ना जा पाएँ तो आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, जिस तरह हमारे पास एक बैलेंस डाइट होता है उसी तरह से एक बैलेंस फिटनेस प्लान होता है जिसके अंदर सब चीज़ ज़रूरी होती है, कार्डियो एंड्योरेंस ज़रूरी होती है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ज़रूरी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, फिटनेस, तो फिटनेस के भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं और हर कॉम्पोनेंट में आप एक जगह बैठ करके काम नहीं कर सकते। तो आपको एक सर्टिफाइड ट्रेनर से कंसल्टेशन लेना चाहिए, अपने बारे में पता करना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली एक प्लान बनवाना चाहिए। दौड़ती जिंदगी में से अपने लिए रोज एक घंटा निकालें तो आप अपनी आयु को बहुत लंबी और अच्छी स्वस्थ, लंबी जिंदगी पाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है एक स्वस्थ जिंदगी पाना और फिटनेस से आप स्वस्थ जिंदगी पाएंगे। सबका फिर से स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी में। और अभी अभी हमने देखा कि फिट दोस्तों हर इंसान के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो या वृद्ध हो, हर इंसान के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालें अपने लिए, एक्सरसाइज करें या योगा करें और आधा घंटा 30 मिनट वॉक जरूर करें, क्योंकि ये सारी बीमारियों से अगर आपको बचना है तो अपने फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी फिटनेस को, इसी बीमारियों को दूर किया जाए, इसी के लिए जो आज हमारे स्पेशलिस्ट हैं मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, उनसे हम डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आइए, और आज राधिका इसी विषय पर हम बात भी कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि की फिट में हमने देखा कि सभी तरह के लोग जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि आज हम डॉक्टर साहब से इस बारे में पूरी बात भी कर पा रहे हैं। जी, तो सर मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे कि आपने डायबिटीज के बारे में बताया जी, तो ये जो ब्लड शुगर हमारा होता है, हाई भी होता है और लो भी होता है, तो एक सामान्य इंसान की जो ब्लड शुगर होता है वो कितना होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज के जमाने में जो ब्लड शुगर की जो जांच होती है बहुत साधारण होती है, एक छोटा सा ग्लूकोमीटर होता है और एक मिनट से भी कम समय में ब्लड शुगर की जाँच हो सकती है। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ आर्ट है दुनिया में, इससे फास्ट कोई भी टेस्ट होता नहीं है, यानी एक मिनट से भी कम समय में आप ब्लड शुगर की जांच कर सकते हैं। दूसरा, ब्लड शुगर की जब जांच करते हैं तो दो तरीके से होती है, एक तो खाली पेट जांच होती है और एक होती है खाने के दो घंटे बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के दो घंटे बाद। तो जो सामान्य व्यक्ति की जो ब्लड शुगर होती है वो 100 मिलीग्राम परसेंट से कम खाली पेट और 140 मिलीग्राम परसेंट से कम खाना खाने के दो घंटे बाद या ग्लूकोज लेने के दो घंटे बाद में। जी, 100 से लेके 125 मिलीग्राम परसेंट जिनको होती है उनको प्री डायबिटीज बोलते हैं या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज बोलते हैं। दूसरी होती है 140 मिलीग्राम से 199 मिलीग्राम परसेंट, ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं या प्री डायबिटीज बोलते हैं। यानी जिन व्यक्तियों को ये इस बीच में 100 से 125 खाली पेट और 140 से 199 मिलीग्राम परसेंट होती है, इन लोगों को डायबिटीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यानी ये प्री डायबिटीज है। और जिनको डायबिटीज होती है 126 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर जिनको होती है खाली पेट या ग्लूकोज लेने के या खाना खाने के दो घंटे बाद 200 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा होती है उनको डायबिटीज होती है। यानी 126 मिलीग्राम से ऊपर और 200 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर यदि किनको शुगर होती है तो इनको दवाइयाँ या खाना पीना तो या लाइफस्टाइल उनको करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि कुछ बॉडी में इन्फेक्शन हो तो उससे भी शुगर जो है लेवल आपका बढ़ कई बार ऐसा होता है कि कई बार वायरल इन्फेक्शन होते हैं, पेनक्रेटाइटिस होती है, कई और ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसके ऊपर
कई बार टेम्परेरी ब्लड शुगर बढ़ जाती है या कई बार मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक होता है तब स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो इसको स्ट्रेस डायबिटीज भी बोलते हैं। कई बार वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से, पेनक्रेटाइटिस की वजह से भी डायबिटीज़ हो जाती है, और ये उस स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, कई बार डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, कई बार इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन इन व्यक्तियों को कभी आगे फ्यूचर में होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो उन्हें अपना ध्यान रखना पड़ता है, उनको हर महीने से लेके 6 महीने में एक बार अपनी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको ब्लड शुगर की जांच रेगुलर करनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी क्रम में मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो ब्लड शुगर की जांच है जी, वो व्यक्ति हमेशा करता है, लेकिन किसी का ब्लड शुगर का लेवल हाई है, किसी का ब्लड शुगर लेवल लो है, तो इन दोनों कंडीशंस में जो लो और हाई जो है हाई में खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, कि लो वालों को किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीजें लेनी चाहिए, और सेम पैरेलल में अगर हम बात करें तो लो वालों को भी। मैं एक साधारण व्यक्ति का खाना पीना कैसा होना चाहिए सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं, लेकिन ये भी जरूर बताइएगा सर कि लो को क्या लेना चाहिए और हाई को क्या लेना चाहिए। तो एक साधारण व्यक्ति के खाने में सबसे पहले तो उसको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हाई कैलोरी का फूड उसको अवॉइड करना है, यानी मिठाई और चीनी। यदि किसी को डायबिटीज है, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर ज्यादा है, तो उसको चीनी और मिठाई जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है और जल्दी से जल्दी हमारे बीटा सेल को नष्ट कर सकती हैं, तो जो मिठाई और चीनी है उसको तो उसे त्याग करना पड़ेगा। उसके अलावा उसको दोनों टाइम सलाद की मात्रा जिसमें फाइबर्स होते हैं, हाई फाइबर्स, वो जरूर उसको दोपहर के खाने के साथ और रात को खाने के साथ लेनी है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अपने खाने को 3 या 4 भाग में बांटना पड़ेगा। जो सुबह का नाश्ता होता है ये साधारण व्यक्ति के लिए और डायबिटीज के व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। पूरे व्यक्ति का पूरे दिन का खाने में 1/3 जो खाना होता है कैलोरीज का, वो ब्रेकफास्ट या नाश्ते में आना चाहिए। और जो व्यक्ति नाश्ता कर लेता है, ये WHO ने भी बताया है और हमारे पब्लिश स्टडीज ये कहती हैं कि जो व्यक्ति अपना बराबर नाश्ता करता है उसको डायबिटीज, हृदय रोग, हाइपरटेंशन और ये सारी बीमारियां, और भी जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं। वो व्यक्ति तरोताजा रहता है, पूरा दिन भर अच्छा काम करेगा जो व्यक्ति नाश्ता कर लेता है। समय क्या रहना चाहिए, एक अराउंड मतलब बात करें कि नाश्ते का लगभग समय, नाश्ते का ब्रेकफास्ट इंग्लिश में जो बोलते हैं हम, ब्रेकफास्ट यानी हम पूरे रात का जो फास्ट है वो सुबह ब्रेक करना है। तो कई व्यक्ति जो बहुत लेट नाश्ता करते हैं वो अच्छा चीज नहीं है। इवन अभी जिनको नोबेल प्राइज मिला है अपने पिछले साल का, वो उन्होंने क्रोनोमेडिसिन पे इसी के ऊपर काम किया है और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने खाने का नियम रखता है, यानी सुबह अपना नाश्ता जल्दी उठ के कर लेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ 7 से 8 बजे के बीच में अपना नाश्ता हो जाना चाहिए, 12, 12:30 या 1 बजे के बीच में उसका लंच हो जाना चाहिए, शाम को कुछ जो भी चाय लेते हैं या छाछ लेते हैं या कुछ स्नैक्स लेते हैं वो शाम को 4-5 बजे के बीच में उसको स्नैक्स लेना चाहिए, और रात को 8, 8:30 से पहले उसको खाना खा लेना चाहिए। बल्कि अभी जो रिसेंट जो जिनको नोबेल प्राइज मिला है बताया, वो ये कहते हैं कि इवन रात के खाने, बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो लेट नाइट खाना नहीं खाएं, थोड़ा जल्दी रात का खाना खा लेंगे और 4 भाग में आपने बांट दिया खाने को, फल जरूर रखिए, हरी सब्जी और फल। ये अभी WHO ने और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने ये बताया कि जो व्यक्ति फल और हरी सब्जी प्रतिदिन खाता है उसको 40% तक हृदय रोग और डायबिटीज कम होती है। क्या सर, यहीं पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो कई फल ऐसे होते हैं जिनमें मिठास बहुत ज्यादा होती है, तो लोगों को लगता है कि ये तो मीठे है तो डायबिटीज को लेकर दिक्कत होगी, तो सर क्या फल ऐसे होने चाहिए जो वो खा सकते हैं? देखिए, हम बताते हैं कि रूल ऑफ थ्री, बहुत साधारण रूल ऑफ थ्री का मतलब होता है 3 फल ऐसे हैं जिनको हम रोज खा सकते हैं डायबिटीज के व्यक्ति के लिए, सेब, संतरा और पपीता। 3 फल ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, चीकू, केला और अंगूर। इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये ग्लूकोज के बराबर होता है, तो ये 3 फल अवॉइड करने हैं। इसके बीच में जो भी फल आ रहे हैं, सेब, संतरा, पपीता, अनार, अमरूद, कुछ भी, बाकी सारे फल खा सकते हैं, लेकिन हर फल की मात्रा थोड़ी सी हमें निर्धारित रखनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, फल के साथ एक भ्रांति और है कि चावल और दाल का जी, कि अक्सर कहा जाता है कि चावल खाएं ना खाएं, दाल खाएं या ना खाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की बातें होती रही है, तो क्या डायबिटीज पेशेंट को चावल और दाल खाना चाहिए? दाल
जो होती है बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स दाल होता है। लेकिन दाल की मात्रा यदि डायबिटीज के व्यक्ति है तो बहुत ज़्यादा उसको नहीं खानी है, 20 ग्राम तक उसको खा सकते हैं, यानी एक कटोरी दाल आराम से खा सकते हैं। चाहे व्यक्ति को किडनी की, ये जो होती है जिनको हाई प्रोटीन डाइट होती है वो हम जिनको किडनी इफेक्ट हो जाती है, गुर्दे का रोग हो जाता है, तो हमें थोड़ी सी प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। रेस्ट्रिक्ट करना है, मना नहीं है, दाल खा सकते हैं लेकिन उसकी मात्रा निर्धारित करनी पड़ेगी। चावल के लिए जहाँ तक सवाल है, चावल ऐसा अनाज है जो तुरंत खाने जैसे ही खाना खाते हैं वो पच जाता है, और जल्दी से जल्दी पच जाता है और वो जल्दी फिर भूख लगने लगती है। तो इसीलिए हम डायबिटीज़ के व्यक्ति को कहते हैं कि चावल, क्योंकि साउथ इंडिया है या हमारे बहुत भारत देश में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे चावल स्टेपल फूड है, बिल्कुल, तो वहाँ पे उनको चावल खाना है। लेकिन हम जब चावल के लिए कहते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइबर्स हैं, उसमें हरी सब्जियाँ डालें, उसमें और कुछ डालें। और भूटान में भी चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो वहाँ पे जब चावल लेते हैं वहाँ पे भी, तो उसको हम कहते हैं कि फाइबर साथ में दे दें, हरी सब्जी सलाद वगैरह उसको साथ में दे देंगे तो वो चावल इतना नुकसान नहीं करेगा और वो उसको पूरा बैलेंस फूड बनाएगा। चावल जल्दी पच जाता है, इसलिए हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है हमारे यहाँ पे समाज में कि हमें पूरा खाना खाना है और चावल एक्स्ट्रा होता है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो उसको अपना खाना खाएं, लेकिन चावल यदि खाएं तो उसको अपनी रोटी की मात्रा थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा नहीं है डायबिटीज के। ऐसा एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि एक बार अगर डायबिटीज़ की दवाई शुरू हो गई जी तो वो फिर जिंदगी भर चलेगी जी, बड़ी घबराहट रहती, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैंने आपको एक बार अभी पहले भी ये बताया कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं या स्ट्रेस होती है जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है और टेम्परेरी होती है और वो ठीक भी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति में जब हम कई बार दवाई की देते हैं या इंसुलिन भी देते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको पूरी जिंदगी भर लेनी पड़े, लेकिन उसको अपने शुगर की मॉनिटरिंग करते हैं। और कई बार ऐसा हमने देखा है कि व्यक्ति बहुत अनुशासित जीवन जीता है जी। तो उसको कई बार दवाइयां बंद भी हो जाती हैं, इंसुलिन भी बंद हो जाती है। बहुत ऐसे हमारे पास में हैं कि जिनकी इंसुलिन भी बंद हो गई है, जिनकी दवाइयां भी बंद हो गई हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आज मैंने दवाई शुरू की तो पूरी ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। हाँ, उसको अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करके उसके हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं ये अपने चिकित्सक से पूछ के अपने मन से वो दवाई को कभी बंद नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हमने देखा है कि शुगर कंट्रोल हो जाती है तो व्यक्ति समझता है कि मेरी तो अब शुगर कंट्रोल हो गई है, मुझे अब दवाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, उसको थोड़ी बहुत दवाई की ज़रूरत है क्योंकि दवाई की वजह से उसकी शुगर कंट्रोल हुई है। तो जब उसकी दवाई, कई बार हमें देखते हैं कि दवाई जैसे जैसे अनुशासित व्यक्ति जीता है दवाई की मात्रा कम होती चली जाती है और कई बार बहुत कम दवाई से भी उसकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या किस तरह के नवाचार की बात करें, किस तरह की मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो डायबिटीज़ की कंट्रोल के लिए आई हैं आजकल? देखिए, आप जब हम व्यक्ति को जैसे आपने पूछा है कि एक बार दवाई दे दी या इंसुलिन के बारे में बताते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मेरे इंसुलिन बता दिया है अब मुझे इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। ये जो इंजेक्शन का जो डर है, फियर है, ये सबसे ज़्यादा उसको डायबिटीज़ में डिप्रेशन और एंग्जाइटी करता है। बिल्कुल, तो इसके लिए मैं बता दूं कि आजकल के ज़माने में आजकल ऑटोमेटिक पेंस आ गए हैं इंसुलिन के लिए, और जो उसकी सुई है ये भी स्टेट ऑफ आर्ट है, 32 गॉज की एक नीडल आती है जो कि आपको दिखने में भी बड़ी मुश्किल से दिखेगी। उस इंजेक्शन से जब हम पेट के ऊपर अपने इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का, और जो लगाते हैं वो उनको मालूम है कि बिल्कुल दर्द रहित होता है, सिर्फ उसको जो सुई होती है वो थोड़ा जल्दी जल्दी बदलनी पड़ती है, वरना एक मॉडर्न पेंस है, ऑटोमेटिक है। कई बार आदमी को बिल्कुल ना तो सिरिंज है उसमें, ना उसको कोई इंजेक्शन भरना पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, सिर्फ डायल करा और उसको इंजेक्शन लगा दिया। तो एक तो पेंस आते हैं, दूसरा आजकल पंप्स आते हैं, इंसुलिन पंप्स हैं, ऐसे आ गए हैं जो छोटा सा मोबाइल से भी छोटा एक डिवाइस होता है, उसके अंदर इंसुलिन होता है और कंप्यूटर से वो रेगुलेट होती है, और वो उसका एक छोटा सा कैनुला हम यहाँ पेट में लगा देते हैं और खुद लगा सकता है व्यक्ति, और वो जो उसका डिवाइस है वो कहीं भी अपना जेब में या कहीं रख लेते हैं। कंप्यूटर से मिनट टू मिनट अपने आप ब्लड शुगर उसमें जाती रहती है, उसको हम, उसके पास रिमोट भी होता है और रिमोट में उसको मालूम होता है कि मेरी अभी ब्लड शुगर इतनी है और मैं कितनी लगनी है, वो अपने रिमोट से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार हम बच्चों को लगाते हैं तो पेरेंट्स के पास में भी वो रिमोट डिवाइस होती है और वो इससे कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये मॉडर्न डिवाइसेज हैं, इंसुलिन पंप्स हैं, अवेलेबल हैं हमारे यहाँ भी, और हम लगा रहे हैं
और जो व्यक्ति को लगाते हैं उनको ये लगता ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज। अच्छा, इसी क्रम में मैंने अखबारों में भी पढ़ा है कि एक इनहेलर टाइप का भी कुछ आने वाला है इस तरह का। अभी कुछ ऐसे रिसर्च हो रही हैं जिसमें बहुत तरीके से इंसुलिन को देने की कोशिश हो रही है। टैबलेट्स के भी, जैसे आपने बताया कि आजकल टैबलेट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि किसी तरह से इंसुलिन की टैबलेट बन जाए, लेकिन क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन होता है, जैसे ही वो टैबलेट फॉर्म में हम देते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे इनहेलर्स भी आ रहे हैं, इनहेलर्स अभी अवेलेबल भी हो गए हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा ये रहता है कि व्यक्ति को उस जिसको सांस की तकलीफ है, जिसको अस्थमा है, जिसको ब्रोंकाइटिस है, उसको वो इनहेलर्स ज़्यादा काम नहीं करते हैं और उसकी क्वांटिटी बहुत देनी पड़ती है। आपने जब टेक्निक से बात कही तो जब ब्लड शुगर की आपको जांच के बारे में बात कर रहे थे, आजकल एक ऐसी टेक्निक आ गई जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, CGMS। एक छोटी सी मोबाइल की चिप की तरह एक छोटी सी चिप होती है, वो हम यहाँ बांह पे लगा देते हैं और 14 दिन तक वो लगी रहती है या बांह के ऊपर लगती है और वो हर मिनट टू मिनट ब्लड शुगर की जाँच करती है। उसको हम CGMS कहते हैं और वाईफाई से उसको मॉनिटरिंग करते हैं, यानी व्यक्ति को ब्लड शुगर की जांच करने की जरूरत नहीं है। हम अपने हॉस्पिटल में बैठे हुए उस व्यक्ति की पूरी जांच कर सकते हैं मिनट टू मिनट। ब्लड शुगर जो 14 दिन आपने कहा यहाँ लगी रहेगी, तो क्या फिर वो आदमी आपके हॉस्पिटल में रहेगा या नहाएगा धोएगा नहीं, कैसे उसको सब कुछ अलाउड है। सिर्फ हम यही कोशिश करते हैं कि बस उसको पानी नहीं लगे, बाकी एक्सरसाइज कर सकता है, वो सो सकता है, जो करना चाहे, बिल्कुल ही इज एज फ्री एज अदर पर्सन। सिर्फ उसको थोड़ा पानी का परहेज करना पड़ता है, क्योंकि पानी लगने से उसकी जो एडहेसिव लगती है वो निकल जाती है, वरना इससे अच्छी टेक्निक अभी इस दुनिया में नहीं है। बिना ब्लड शुगर की जांच किए हुए उसकी मिनट टू मिनट 24 घंटे की ब्लड शुगर हम अपने सामने देख सकते हैं और उससे हम उसकी पूरे दिनचर्या, उसका खाना पीना, उसकी इंसुलिन, उसकी दवाइयों का डोज सारी निर्धारित कर लेते हैं। यानी आपको हर मिनट उसकी एक्टिविटी के बारे में मालूम है और उससे हम ये पता लगा लेते हैं किस समय उसकी ज़्यादा हो रही है, किस समय कम हो रही है। एक आपने पूछा था कम वाली बात, हाँ, मैं कम वाली बात उसी जो हाइपोग्लाइसीमिया होती है, ये बड़ी कई बार बड़ी ऐसी स्थिति होती है जिसमें आदमी को पता नहीं लगता। तो हम इसके लिए दो चीज करते हैं, एक तो हम कोई भी डायबिटीज के व्यक्ति को एक कार्ड देते हैं, उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है और उस आइडेंटिटी कार्ड में उसकी फोटो होती है, उसमें हॉस्पिटल का नंबर होता है और उसमें सारी स्थिति के बारे में लिखा होता है। तो एक तो वो कार्ड दिया जाता है, दूसरा जिस व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया होती है, बहुत साधारण सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे उसको बहुत कई बार तेज भूख लगती है तो कैसा लगता है कि उसको एकदम ट्रेमर्स होने लगते हैं, हाथ पैर धूझने लगते हैं, पाल्पिटेशन होता है, उसके हृदय गति बढ़ जाती है, उसको पसीना आने लगता है, उसको एक अजीब सी, और यदि ज़्यादा देर स्थिति रह जाती है तो बेहोशी भी आ सकती है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया जैसे ही होता है उसको व्यक्ति को कोई भी मीठी चीज यदि है तो उसमें सबसे अच्छा तो ये रहता है कि जो परिवार का व्यक्ति है वो उसको एक चम्मच पानी में डाल के दे दे तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज दे दे, या कोई भी मीठी चीज उस समय यदि दे दी तो उसके एक दो मिनट के अंदर शुगर उसकी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मीठी चीज की बात है तो राधिका, फास्ट फूड का आपको कितना शौक है? जी फास्ट फूड का शौक है, लेकिन उसे लिमिट में खाया जाए उतना ही बेहतर। लेकिन आज के युवा जो है सर, मैं वही बात कर रहा था कि आज के युवाओं का क्रेज जो है वो फास्ट फूड की तरफ बहुत बढ़ गया। ये फास्ट फूड क्या है? हमारा इंडियन भी, जो हमारा भारतीय है वो भी उसमें फास्ट फूड होते हैं, समोसा कचोरी ये जितने भी हैं ये भी फास्ट फूड है, और पिज्जा बर्गर और ये भी सारे फास्ट फूड हैं। ये क्या चीज है? ये एनर्जी डेंस फूड है। यानी हम थोड़ा सा खाएंगे, चीज होता है उसके अंदर, ऐसी चीजें होती है, ऑयल होता है, और जो होता है जो हम थोड़ा सा खाते हैं हमारा पेट भी नहीं भरता है और कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं। तो डेंस कैलोरीज जो फूड होते हैं वो हमें पूरे दिन भर की, जैसे कैलोरीज हमें 1500 कैलोरी बताई तो उसमें हमने एक समोसा खा लिया 250 कैलोरी का, हमने कोई एक पिज्जा खा लिया जिसके अंदर 300-350-400 कैलोरीज चली गई, और उसके बाद फिर हमने नॉर्मल खाना खाया। तो ये जब सब मिलाते हैं तो बहुत कमी है, करता है। बिल्कुल समय की कमी है। डॉक्टर साहब कैसा लगा आज आपको सुप्रभात धरती धोरारी के इस मंच पर आकर? शॉर्ट में क्या, एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक लाइन में यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने जीवन को, जीवन शैली को आप सुंदर रखिए, अच्छा रखिए, दूसरों के लिए काम करने का जज्बा रखिए, और जिसने दूसरों का काम करने की जज्बा कर लिया, ये मानव जीवन को आपका सफल करना है,
तो दूसरों के लिए काम करिए, स्वयं के लिए तो हर व्यक्ति काम करता है। क्या बात है सर। बस सर आप सुप्रभात, धरती धोरारी के इस मंच पे आए और हमें और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें डायबिटीज़ के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी आपने, ताकि आज उनको बहुत सारे लाभ होंगे और अपने जो डाइट है उनका वो भी वो कंट्रोल करेंगे, और जिन्हें डाउट है कि हाँ उन्हें डायबिटीज़ हो सकती है वो भी इसका सही ट्रीटमेंट लेंगे और फिट रहने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने जितनी जानकारी दी बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगी हमारे दर्शकों के लिए भी और हम सबके लिए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी धन्यवाद। दोस्तों अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, न्यूज़ रूम से खबरें आपके लिए, लेकिन उससे पहले आनंद लेते हैं लोकगीत का। धन्यवाद।